स्टैंडिंग फरीदाबाद की छोटी डॉन आद्या मिश्रा। आद्या गाना कौन सा गा रही? दिल के अरमां आंसू में बह गए गाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात। आद्या, आपके लिए भी हमने एक सरप्राइज सोच के रखा है। तो दोस्तों, अब इस मंच पे आ रही है वो जिन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से 80s के दौर में हर दिल पे राज किया। क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें ग्लोरी ऑफ म्यूजिक का खिताब दिया था। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल फिल्म फेयर अवार्ड विनर सिंगर एक्टर सलमा आगा जी। रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है, कि तुमको आज क्या हुआ है, कि झूमता ही जा रहा है, झूम 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 बाबा। सलमा जी के लिए एवरीवन जोरदार तालियां। बहुत वाह 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 वाह। हमारी तरफ से सबको ही बहुत मोहब्बत भरा आदाब, और एक आदाब वहाँ बहुत खास, वो पुराना आदाब है, अब भी आदाब है। मुझको नमस्ते ही कर लो, मैं तो देख के सरप्राइज हो रहा हूँ। हमें अपने हीरो से मिलवाया आज इतने सालों के बाद। तो ये दूरी हमको अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं, हम लोग मिलते हैं। सॉरी। देखना जरा, सीढ़ियां वहां से उतरने में दिक्कत होगी। नहीं, सीढ़ियों में हमें दिक्कत नहीं होगी, आप कहिए, मुड़ के आपके पास आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एंड यू ऑफ कोर्स द स्टार ऑफ द शो आद्या मिश्रा, लवली यूनिक वॉइस यू हैव, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, आई एम सो ऑनर्ड कि मैं आपसे ये सुन रही हूँ, इट मीन्स अ लॉट। और आज मैं आप ही का गाना गाने जा रही हूँ, दिल के अरमां आंसू में बह गए। हम खास तौर पे आपका गाना सुनने आए हैं। थैंक यू। सर, आपकी जो मूवी है निकाह, उसका एक बहुत फेमस शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज वो शेर हम सबके लिए एक बार बोलिए। वो मैं बोलूं, लेकिन सूखा शेर नहीं बोलूंगा, सूखे फूल के साथ बोलूंगा। ओह, सूखे फूल के साथ, वाह वाह वाह। अर्ज किया है। आए, आए, अरे आप तो बोल दो इरशाद। आपने कभी कहा ही नहीं कि आपका नाम इरशाद है, तो हम कैसे कहें। माशाल्लाह, ये सलमा जिनका नाम कहां से पड़ गया। अब के हम बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये लो किताबों में। वाह वाह। के अरमां आंसुओं में बह गए।
ये 17 साल की आद्या है। ये परफॉर्मेंस जो आज है तुम्हारा और तुम्हारी गायकी, ये अगले 7,000 ईयर्स तक याद रखा जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि एक ज़माना था बेगम अख्तर, ऐसे बड़े बड़े कलाकार एक शतक में आते हैं, दशक में नहीं, वैसी एक कलाकारा हमें मिली है। सलमा जी खामोश हो गई। ऐसा होता है, वो चीज़ें जो दिल पे असर कर जाएं, वो खामोश कर देती हैं। प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। आद्या इस गीत की गायिका भी बैठी हैं और गीत की नायिका भी बैठी हैं। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इनको अपनी परफॉर्मेंस याद आ गई होगी कि ये दर्द वाकई इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया था जो आज आपने आवाज में भी दिखाया। शायद होने का आखरी हो, कैसे तुम। थैंक यू सो मच। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है। ये पहला है। आई एम सरप्राइज्ड, ये आद्या का पहला। या यू डिजर्व इट आद्या, यू आर अ रॉक स्टार। वाओ, बोला तो दो लाइन आप अगर गा देंगे इस गाने को। प्लीज प्लीज गाएं हम आपकी फिल्म का गाना। आप गाएंगी तो अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे जो लगे उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बहुत फर्क पड़ता है, आपको नहीं पता। बहुत तालियां हो जाए एक बार सलमा जी के लिए। अभी बात दिल के अरमान आंसुओं में रह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हो हम वफा, हो हम वफा, हो हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के शुक्रिया सलमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे यहाँ पर हम राज जी जनरली देखते हैं, हर किसी के लिए कोई ना कोई फादर फिगर होता है, कोई ना कोई आइडल होता है। सर आपके लिए जो आपका एक पीरियड रहा, उसमें आपके लिए आपके फादर फिगर कौन थे? ये सच है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मुझे राज बब्बर नाम जो मिला वो मुझे कुछ उस्तादों से मिला। पहली बार जब ड्रामा स्कूल के अंदर मैंने दाखिला लिया तो मेरी मदद मेरे बड़े भाई ओमपुरी ने की, और उसके बाद जब मैं बंबई में आया तो मैं ये कह सकता हूं कि फादर फिगर नहीं, मुझे फादर मिले बी आर चोपड़ा साहब। पहली फिल्म इंसाफ के तराजू के बाद बी आर फिल्म से कोई ऐसा
शाकार नहीं रहा होगा जिसमें मैंने काम नहीं किया हो, चाहे टीवी सीरियल रहा हो, चाहे छोटी फिल्में रही हों, चाहे बड़ी फिल्में रही हों। शुक्रिया सर, शुक्रिया। राज जी, जितना हम जानते हैं, आप तो हमेशा ही शुरुआती दौर से ही उस्तादों से घिरे हुए हैं। आपको मुंबई बुलाया डायरेक्शन के उस्ताद प्रकाश मेहरा जी ने, आपकी टैलेंट को पहचाना राइटिंग के उस्ताद सलीम जावेद साहब ने, आपके स्क्रीन टेस्ट को पास किया एक्टिंग के उस्ताद दिलीप कुमार साहब ने, और ये वो उस्ताद है जिन्होंने बॉलीवुड के बीते हुए दिनों को सवारा है। और सर, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उनसे जिनके हाथों में म्यूजिक का आने वाला कल है। तो प्रेजेंटिंग कोलकाता की उम्मीद उस्ताद शुभदीप दास चौधरी। गाना पिक्चराइज करने की जिम्मेदारी हम लोगों को दे दी थी, और आज जिस हरकत से तुमने गाया है, अगर कहीं मेरे सामने उस वक्त नजर आ दे तो इस गाने में मैं और जान डाल दिया होता। बहुत ज्यादा शुक्रिया सर। ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट। जजेस, एक और बात आप सबको बताना चाहूँगा, शुभदीप ने तो अपने सर पे एक जिम्मेदारी डेफिनेटली उठाई है, कोलकाता उन्हें आइडल की ट्रॉफी लेके जानी है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या जिम्मेदारी उठाई है ये मैं नहीं बताना चाहूँगा। हमारे साथ आज यहाँ पर एक ख़ास मेहमान है, आइए दोस्त, यहाँ पर आ जाइए, स्टेज पर आइए। सबसे पहले तो नमस्कार सर, अगर सर शुभदीप दादा नहीं होते, मेरे गुरु हैं, अगर दादा नहीं होते तो शायद मैं आज बस कंडक्टर होता या कुछ और कर रहा होता। मेरी माँ को ओसीडी की पेशेंट है, मेरी माँ ओसीडी कहने के लिए तो मात्र एक बीमारी है कि साफ सफाई की बीमारी, बट ये जिसको भी होता है उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो मेरे पापा ने उनका बहुत ट्रीटमेंट कराया, लगभग 20 साल पूरा प्रॉपर्टी जो कुछ भी था सब बेच दिया, और पापा इलाज कराते कराते इतने डिप्रेशन में आ गए कि पापा अब नहीं रहे। और
मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में था, सबसे पहला फोन मैंने दादा को किया था, पापा नहीं रहे। मैं बोला दादा अब तो मुझे पापा का जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और माँ का इलाज भी कराना होता था तो पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास। तो दादा बोले कि तुम वो जॉब नहीं करोगे, मैं पैसे भेजूंगा। दादा ने मुझे पैसे भेजे, माँ का इलाज कराया, फिर दादा ने मुझे अपनी एकेडमी में नौकरी दिया जहाँ मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाता हूँ। और दादा ने मुझे मेरे शहर में, ओरई से हूँ, यूपी के ओरई शहर से, दादा ने मेरा वहाँ पे भी एक एकेडमी खुलवाया और मैं वहाँ पे भी म्यूज़िक सिखा के घर चला रहा हूँ। अगर दादा नहीं होते तो आज मैं पता नहीं कहाँ पे होता। मुझे पता है मेरे पापा का जो एकेडमी था तो उसमें मैंने जब शुरू किया था 2020 में, तब लॉकडाउन भी लगी हुई थी, तो वो पहला स्टूडेंट था। मुझे याद है मैं यहीं पे मुंबई में बैठ के ही एक बैल्कनी में बैठ के इसको क्लास कराया था। तो उस दिन से इसके साथ मेरा एक रिलेशन हो गया है, दिखता भी मेरे तरह है काफ़ी। वो सारे शाम, वो सारे क्लासेस में डिस्कशन, फ़ोन में डिस्कशन याद आ रही कि मैं चाहूँगा ये डेफिनेटली मेहनत करे और यहाँ पे आए और इस स्टेज में ये भी अपना एक नाम करे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पापा तो नहीं रहे, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे दादा के तौर पे मेरे पिता जैसे ही हैं मेरे लिए। हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। क्या बात है शुक्र, तुम सिर्फ उस्ताद ही नहीं हो, तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है, तुम खुद भी अपने आप को काबिल बना रहे हो और लोगों को भी अपने साथ काबिल बना रहे हो। जीते रहो। बहुत बड़ी बात, मेरा दिल कह रहा है कि तुम ये ट्रॉफी लेके जाओगे। थैंक यू सो मच। चलो देख, कलकत्ता का एकेडमी के लिए कुछ भी तुमको हेल्प चाहिए होगा तो तुम मेरे को बोल सकते हो। आई विल बी ऑलवेज विद यू। बहुत बहुत ही ज़्यादा हो गई। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।